Hello students, welcome to my channel MK Maths World. Students, आज हम CBSE का जो 5th class है उसका chapter Simplification of Numerical Expressions लेके आए हैं जो हम बहुत easy way से आपको सिखाएंगे. तो students, जिन्होंने हमें subscribe किया है उनके लिए thank you और जिन्होंने अब तक subscribe नहीं किया वो जल्दी से subscribe करें ताकि हमारी जो नई videos हैं study related वो आप तक पहुंच जाए. तो students, 5th class का जो chapter है Simplification of Numerical Expressions, इसमें सबसे पहले हम rule देखेंगे. सबसे पहले हमें इसमें rule याद जो रखना है वो है डमास. डमास मीन डी का क्या मतलब है यहाँ पे डिवाइड, एम से मल्टीप्लाई और ए से एडिशन, एस से सब्ट्रैक्शन. तो फर्स्ट सम है हमारा 21 + 18 डिवाइडेड बाय 6. तो अब सबसे पहले यहाँ पे दो साइन है हमारे पास, एक प्लस का एक डिवाइड का. तो हमने देखना है कि हमें पहले एडिशन करनी है या डिवाइड करना है. तो वहाँ रूल हमें जो याद किया है उसमें सबसे पहले देखेंगे कि क्या है यहाँ पे. यहाँ पे डिवाइड का साइन पहले है तो हम पहले डिवाइड करेंगे. डिवाइड करके हमारे पास क्या आ गया, 6 के टेबल में देखना है 18 कहाँ आता है डिवाइड करके, क्या आया 3. तो अब यहाँ पे 3 लिखना है इसके प्लेस पे. 21 प्लस ऐसे का ऐसे ही उतारा हुआ है हमने. अब दोनों को, दोनों में एक ही साइन बचा है प्लस का, तो हमने उसे क्या कर देना है ऐड. नेक्स्ट सेकंड सम है 75 - 15 + 6 डिवाइड का साइन 6 और मल्टीप्लाई 2. अब यहाँ पे देखो कितने साइन आ गए हैं ना, माइनस प्लस डिवाइड मल्टीप्लाई. अब कौन सा साइन कैसे पहले कैसे करें, तो हमने क्या किया, सबसे पहले हमने जो रूल याद किया है उसके अकॉर्डिंग हम उसे देखेंगे कि कौन सा साइन पहले है. सबसे पहले डिवाइड है तो जिन में दो टर्म में डिवाइड का साइन है वो हमने सॉल्व करना है. पहले 75 ऐसे ही उतारेंगे -15. अब प्लस के बाद 6 को 6 से डिवाइड करना है. दोनों को डिवाइड करके हमारे पास क्या आएगा 1, उसके बाद मल्टीप्लाई 2. अब नेक्स्ट लाइन में देखो एक माइनस का साइन है, एक प्लस का साइन है, एक मल्टीप्लाई का साइन है ना. तो हमने देखना है अब इसमें कौन सा साइन सबसे पहले है तीनों में से. सबसे पहले मल्टीप्लाई का साइन है, तो मल्टीप्लाई किन के बीच में है, 1 और 2 के बीच में, 2 1 2. बाकी ऐसे ही हमने उतारे हुए हैं नीचे. अब दोनों में देखना है एडिशन का साइन. सब एडिशन और सब्ट्रैक्शन दो ही साइन बचे हैं हमारे पास है ना. तो दोनों में से सबसे पहले कौन आ रहा है, एडिशन. एडिशन किसके बीच में है. अब गाइज यहाँ पे आपने ध्यान रखना है कि 15 और 2 में जो आपको प्लस का साइन नज़र आ रहा है ना वो नहीं आपने प्लस कर देना. पहले दोनों के जो है नंबर उनके साथ प्लस होना चाहिए तब एडिशन होगी. अब 15 तो माइनस का साइन है तो ये नहीं करेंगे. सबसे पहले हमारे पास 75 है ना, उसके साथ कोई साइन नहीं है तो हमने वो वाला नंबर लेना. 2 के साथ उसको ऐड करेंगे, 77 आ गया. अब 15 जो है हम माइनस करेंगे. तो स्टूडेंट्स, थर्ड सम है 63 - 7 + 4 - 5 - 4. अब यहाँ पे भी डिवीज़न का साइन है, प्लस का साइन है, मल्टीप्लाई का साइन है, माइनस का साइन है. अब क्या करें, सब में से पहले हमने क्या रूल जो है लर्न किया है, पहले डिवाइड फिर मल्टीप्लाई फिर एडिशन फिर सब्ट्रैक्शन. तो इनमें सबसे पहले डिवाइड. डिवाइड किसके बीच में है, 63 और 7 के बीच में. इन दोनों को डिवाइड करके हमारे पास आ गया 9. बाकी सभी को नीचे वैसे ही हमने उतार लेना है. अब देखा नेक्स्ट, दो तीन साइन अभी भी हैं हमारे पास, एक पॉजिटिव है, एक मल्टीप्लाई का है, एक नेगेटिव है. तो अब सबसे पहले फिर से देखेंगे ऊपर कौन सा साइन पहले करना है, मल्टीप्लाई. तो मल्टीप्लाई किसके बीच में है, 5 और 4 के. दोनों को मल्टीप्लाई किया हमारे पास आ गया 20. अब 9 + 20 - 4. अब देखो दोनों में किसके जो पॉजिटिव साइन है दोनों के बीच है, वहाँ पे हमने दोनों को प्लस किया -4. दोनों को अब सब्ट्रैक्ट करना है, हमारे पास आ गया 25.
तो स्टूडेंट्स, ये थी हमारी फिफ्थ क्लास की जो हम सिंप्लीफिकेशन करते हैं वो। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।